Hello beauties, welcome or welcome back to my channel. This is me Apoorva and you're watching Glamaholic Official. If you are interested how you can create this beautiful look, keep on watching this video. And if you like it, don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon. सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है लोटस हर्बल का टोनर फॉर प्रेपिंग माय स्किन फॉर माय मेकअप। नेक्स्ट हम अपने फेस को करने वाले हैं मॉइस्चराइज बाय यूजिंग मैम अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इट इज़ बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है एंड लॉन्ग लास्टिंग टू। ये आपके मेकअप को काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से रखता है। नेक्स्ट अपने पोर को फिल करने के लिए मैंने लिया है NYB का प्राइमर। नेक्स्ट अपने फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन और उसके साथ ही साथ एम्स्टर्डम का विटामिन ई इनरिच्ड फाउंडेशन। मैंने दोनों फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया अपने फेस पे एंड हियर आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग माय फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन हमारे फेस पे कम्प्लीटली ब्लेंड हो चुका है। अब हम यूज़ करने वाले हैं कंसीलर एंड फॉर कंसीलर मैंने लिया है NYB का कंसीलर। ये एक हाई कवरेज कंसीलर है जो कि आपके पोर्स को, आपके डार्क स्पॉट्स को, एक्ने वगैरह को अच्छे से कंसील कर देता है। Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? नेक्स्ट अपने बेस को सेट करने के लिए हम लेने वाले हैं लूज पाउडर और मैंने यहाँ लिया है लैक्मे का लूज पाउडर। नेक्स्ट फॉर माई लिपस्टिक मैं यहाँ ले रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। सबसे पहले हमें अपने आउटर लिप्स को आउटलाइन करना है और अपने लिप को थोड़ा सा प्लम दिखाने के लिए मैं आउटलाइन के बाहर भी थोड़ा सा लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये एक टेक्निक है जिससे आप अपने लिप्स को और ज़्यादा प्लम्पर दिखा सकते हो। नेक्स्ट फॉर फिलिंग माई लिप्स मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का डार्क ब्राउन शेड। अब नेक्स्ट हम आते हैं आई शेडो पे एंड हियर आई हैव यूज्ड हेटेड विथ लव पैलेट। और सबसे पहले मैंने एक लाइटर शेड लिया है विच इज़ लाइट ब्लू। उसके बाद इसी पैलेट से हमें लेना है डार्क ब्लू शेड और पुट करना है अपने आईलिड पे। मेक श्योर कि आपका दोनों शेड अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर इस पैलेट से रॉयल ब्लू कलर को हम अपने सेंटर पे पुट करेंगे अपने आईलिड के सेंटर पे। आप इस स्टेप को फिंगर से भी कर सकते हो बिकॉज इससे आपका आई शेडो का कलर और पिगमेंटेड लगेगा।
देन फॉर काजल मैं ले रही हूँ NYB का डार्क ब्लू काजल। But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a... अपने मस्करा को लिफ्ट करने के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का लैश ट्विस्टिंग मस्करा। Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away. आईलाइनर के लिए मैंने लिया है 36H का नॉर्मल आईलाइनर। ये एक पेन लाइनर है और अगर आपको नॉर्मली आईलैशेस लगाने हैं तो काफ़ी अच्छा लुक देता है आपको। और लैशेस मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का। So here we are done with our final look and eyelashes हमने अच्छे से put कर दिया है। So हमारे ये जो look है इसे हम कह सकते हैं dark blue with nude lipstick look। ये formal look है। अगर आपको ये look पसंद आया हो तो don't forget to like, share, subscribe and hit the bell icon। Thanks for watching।